हमने देखा था कि कैसे हमें सेट करना, एक सीन को, एक कैरेक्टर दिया था, हमने चूज किया था और वो कैसे बोलता है, तो हमने वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में सीखा था. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अब हम चाहते हैं कि देर शुड बी टू कैरेक्टर, देर टॉकिंग टू ईच अदर. तो हमारी इसी स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे, अब हम टू कैरेक्टर लेंगे. तो आई विल गो जूनियर टू माई राइट साइड, आई विल चूज अ स्प्राइट. मेरा बैकड्रॉप वही है इसलिए आई एम नॉट चूजिंग. सो मैं चाहती हूँ मेरी स्टोरी में दो कैरेक्टर चाहिए मुझे, सो आई गो फॉर इट. एंड अब जैसे कि मुझे पता है, ओके आई विल चूज दिस कैरेक्टर इन माई स्टोरी एंड आई वॉन्ट अनदर. और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर इफ यू नो कि आपको कैरेक्टर क्या लगे, अगर पीपल में है तो यू कैन सिंपली क्लिक ओवर योर. एंड इस तरीके से आपको जरूरी नहीं कि ऑल में चूज करना है. मैंने फर्स्ट इसलिए बताया कि ऑल में सब कुछ दिखेगा, बट सेकेंड अगर आपका पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए तो आप डायरेक्टली पीपल में जाके वो चूज कर सकते हैं. जैसे कि सेकेंड में मैंने आपको दिखा रही हूँ कि पीपल में जा रही हूँ क्योंकि मेरा कैरेक्टर दो पीपल के ऊपर है. सो आई हैव चूजन एंड आई चूज वन दिस इन माई कैरेक्टर. तो अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों कैरेक्टर बात करेंगे एंड आई वॉन्ट दिस कैरेक्टर का फेसिंग यहाँ होना चाहिए. जैसे कि अब इसका फेसिंग, अब दोनों कम्युनिकेशन करना चाहिए तो इनके फेसिंग एक दूसरे के साइड होना चाहिए. तो आई विल वॉन्ट टू चेंज योर फेसिंग, सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस कैरेक्टर एलिफ. देन आई विल गो टू माई कॉस्ट्यूम एंड मैं चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर कितने सारे उसके कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं बैकड्रॉप में, वो हम लेटर ऑन देखेंगे. बट इस तरीके से कैरेक्टर के कितने भी अलग अलग पोस्चर होंगे, जैसे कभी स्माइल है, सैड है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, वो भी हम कैसे यूज करेंगे. तो अब ये ओपन हुआ था, जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट्यूम इतने सारे जो हम क्ले चेंजेस भी कर सकते हैं. बट अभी फिलहाल मैं आपको, हमें स्टेप वाइज जाना है जूनियर, तो मेरा ये ओपन होगा कॉस्ट्यूम, वो कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में. मैंने जैसे ही कॉस्ट्यूम पे क्लिक किया, आई वॉन्ट टू स्विच हिज फेस, सो आई विल चूज, ऑलरेडी यहाँ पर है तो आई विल सिंपली क्लिक एंड सेलेक्ट द पर्सन, वो फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो जाए, सो दैट कि ऐसा लगे कि दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं. अब देखिए मेरा ये दोनों सेटअप हो गया है, स्टेज में दो कैरेक्टर है. एंड नाउ आई वॉन्ट कि जो हमारा एक कैरेक्टर है वो बोलेगी आई हैव अ पेट आउल, सो शी वॉन्ट टू से समथिंग. तो हमने क्या करना है, पहले हम इवेंट में जाएंगे, हमेशा हैबिट बनानी है, हमें लेफ्ट साइड में जाना है, हमारे कोड में जाना है, इसको पिक करना है एंड ड्रॉप करना है स्क्रिप्ट एरिया. जो हमें इंस्ट्रक्शन देना है कहाँ देना है जूनियर्स, इंस्ट्रक्शन हमें स्क्रिप्ट एरिया में देने. तो मैंने स्क्रिप्ट एरिया में इवेंट ले लिया, इवेंट हमें हमेशा प्ले में यूज होता है, इसलिए हमें वो सबसे पहले हैबिट ही बनानी की वो चूज करना है. अब मैं क्या चाहती हूँ कि दोनों कैरेक्टर बात करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम वो कैरेक्टर कैसे बोला, वेलकम टू मैजिक स्कूल. सो अब ये भी बोलते लुक्स में गए थे हम, राइट? तो लुक्स में मैं वापस कोड में लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड में कोड है, लुक्स में जाऊंगी एंड आई विल सिंपली पिक दिस कोड एंड आई विल ड्रैग एंड आई ड्रॉप हियर. अब मैं चाहती हूँ ये बोलेगी, अब ये लड़की बोलेगी आई हैव पेट आउल, तो वो बोलेगी आई हैव, तो हमें सिंपली ऐसे लिखना है आई हैव अ पेट आउल. ओके, सो इस तरीके से वो बोलेगी. तो वो मैं चाहती हूँ कि जब वो बोले तो 2 सेकेंड तक ये बोले. एंड आई वॉन्ट, मेरा सेकेंड कैरेक्टर है वो बोलेगा व्हाट इट्स नेम्स, व्हाट हिज नेम्स. जब अब वो चाहते तो मैं क्या करूंगी, सिंपली आई विल चूज दिस कैरेक्टर. एंड मैंने क्या बोलता, इवेंट में जाना है, कहाँ जाना है इवेंट, तो लेफ्ट साइड में जाना है, क्लिक ऑन इवेंट और आपको पिक करना है एक इस तरीके से वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ये मैंने ले लिया इवेंट में. अब मैं चाहती हूँ कि वो कुछ बोलना चाहिए, तो मैं लुक्स में जाऊंगी अगेन, लेफ्ट में लुक्स वाले कोड में जा रही हूँ. मैंने सिंपली इधर इस पे क्लिक किया, आई ड्रैग एंड आई ड्रॉप हियर. ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पर इसको पिक कर लिया. अब मैं चाहती हूँ इसको पूछेगा व्हाट इट्स नेम, तो मैंने उसको अभी क्वेश्चन करेगा उसको कि वो जब वो बोल रही है कि आई हैव अ पेट आउल, तो वो उसको नाम पूछ रहा है. तो आई वॉन्ट कि अब हम इसका यहाँ पर वर्डिंग चेंज कर देते हैं, सो वॉट हिज, वॉट इट्स नेम. ओके किड्स, सो वो क्वेश्चनिंग कर रहा है
बिल्कुल क्वेश्चन मार्क हुई है एंड वो 2 सेकंड। अब देखिए मैं आपको और एक चीज सिखाई, इसमें हम एक स्टेप ऐड करेंगे कि ये पहले भी हम देखे देख चुके हैं कि वो कैरेक्टर कैसे बोलता। अब मैंने दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया है प्ले करने के, पर आपको मैं क्या डिफरेंस दिखा रही हूँ वो देखिए। जब कैरेक्टर को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए, कोड मैंने स्क्रिप्ट एरिया में डाला और मैंने ग्रीन फ्लैग चूज कर लिया, तो जब मैंने उनको बोला कि बोलना है, देखिए दोनों एट अ टाइम बोल रहे हैं क्योंकि मैंने उनको टाइमिंग देखी। जब एक पर्सन बोलता तो सेकंड पर्सन कब रिप्लाई देता है, जब फर्स्ट पर्सन की बात ओवर हो जाती है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं चाहती हूं कि जब फर्स्ट कैरेक्टर विच जो कैरेक्टर है जब वो बोलती है तो ये पर्सन को वेट करना है। सो यहां पर हम नया स्टेप ऐड करेंगे। पहले जो पार्ट वन में क्या दिखाया था कि एक पर्सन है वो बोलता है वेलकम टू मैजिक स्कूल एंड वो कम्युनिकेशन, हमने कम्युनिकेशन सीखा, तो हमने ये 2 स्टेप वहां सीखे। अब हम थर्ड स्टेप इसमें क्या ऐड देख रहे हैं, एक तो हमने 2 कैरेक्टर डालना सीखे, ओके वो होने के बाद अब हमने उस दोनों को वही चीज दी बोलने का। अब दोनों कैरेक्टर एट अ टाइम नहीं बोलना चाहिए, तो उसमें हमें एक ऐड करना है कोड। अब वो कोड कब यूज करना है अब मैं बताती हूँ। इसमें हम थर्ड चीज अभी और है कि पहले हमने सेकंड थिंग सीखे, एक तो 2 कैरेक्टर कैसे डालने हमने वो सीख लिया। अब थर्ड चीज हम क्या सीखने वाले हैं जूनियर्स की, अब मैं चाहती हूँ कि जब विच बोले कि आई हैव अ पेट आउल, तो हमारा जो एलिफ है वो वेट करना चाहिए। तो मैं एलिफ के पास जाऊंगी और मैं उसको बोलूंगी कि वो 2 सेकंड तक कहने वाली है तो वेट है, तो मैं उसको कंट्रोल में जाऊंगी। वो वेट ऑप्शन आपको मिलेगा कंट्रोल कोड में, तो आपके कोड के कंट्रोल डार्क ऑरेंजिश, बहुत लाइट ऑरेंज है, प्रॉपर ऑरेंज नहीं है ये, इस पे जाके हम क्लिक करेंगे एंड आई विल चूज दिस। और वो कितने टाइम तक बोल रही है, 2 सेकंड तक, तो आई वॉन्ट कि वो 2 सेकंड वेट करे उसके बोलने तक एंड देन ही विल आस्क। तो मैं चाहती हूँ पहले हम वेट का ऑप्शन देंगे क्योंकि वो पहले बोल रही है तो इसको रुकना पड़ेगा उसके लिए थोड़ी देर। तो आई विल चूज एंड आई विल गिव अ कमांड। तो देखिए 2 सेकंड का इंस्ट्रक्शन देती हूँ, तो डिफरेंस देखिए ताकि हमें कैसे यूज करना है वो समझेंगे। तो मैंने वापस ग्रीन फ्लैग, अब देखिए ग्रीन फ्लैग का क्या यूज हो रहा है। अब मैंने कैरेक्टर आई हैव अ पेट आउल, अभी वो 2 सेकंड जैसे ही उसके कम्प्लीट हो जाएंगे देन ही विल रिप्लाई व्हाट इट्स नेम। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने यहाँ पर वेट का ऑप्शन दे दिया तो ये दोनों का कम्युनिकेशन क्लैश नहीं हुआ एक दूसरे से, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन कोड दे दिया था डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर स्क्रिप्ट एरिया में कि आपको वेट करना है। तो मैंने कहाँ से यूज किया कोड, लेफ्ट साइड से, और मैंने कंट्रोल में जाकर, हमने इसमें और एक नया क्या सीखा, कंट्रोल में जाके हमें वेट ऑप्शन जो है वेट वाला उसको वेट करना है ताकि जब तक उसके बोल के नहीं हो जाता है उसके बाद वो बोलेंगे, मतलब जब ये बोल के हो जाएगी तो 2 सेकंड के बाद ये रिप्लाई देगा व्हाट इट्स नेम। तो इसे अभी वापस एक बार देख लेते हैं, तो आपको इंटरेस्टिंग लगा, कितना मजा आ रहा है ना। व्हेन सी देखिए फर्स्ट जैसे ही उसका 2 सेकंड ओवर होता है तो आफ्टर 2 सेकंड ये बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इंटरेस्टिंग। तो अब हमने ये सीख लिया 2 कैरेक्टर कैसे और कैसे दे गोइंग टू इंटरैक्ट, कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया हमने। यहाँ पर 2 और नई चीजें सीख ली, 2 कैरेक्टर कैसे हमने एड करना है और हमने यहाँ देखा कि वेट जो ब्लॉक था उसका कैसे यूज होता है। Now moving to the next step. अब ये part 3 में जाएंगे हम इसके बाद।